नमस्कार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। डायल 112 को मैसेज करके ये धमकी दी गई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज हुआ है। जांच में एटीएस समेत सभी एजेंसियां जुट गई हैं। तो आपको बता दें, डायल 112 को मैसेज करके ये धमकी दी गई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो जुट गई हैं इस मामले की जांच में। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, डायल 112 को मैसेज करके ये धमकी दी गई है और इसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में एटीएस समेत सभी एजेंसियां जुट गई हैं और इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। ज्यादा डिटेल के साथ संवाददाता रवि सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी तक पुलिस के हाथ क्या कुछ लग पाया है? क्योंकि देखिए, ये काफी बड़ा चैलेंज भी है पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल, बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये धमकी दी गई है और बताया जा रहा है कि यूपी 112 पर ये सूचना आई है और कल यानी कि 23 तारीख को और ये करीब 8:22 पर यूपी 112 के मुख्यालय में सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पर एक नंबर से मैसेज आया है और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देने का ये मैसेज है और उसको लेकर अभी शिकायत है वो भी दर्ज करा दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच विस्तृत की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस नंबर से ये जो मैसेज भेजा गया है धमकी वगैरह, ये नंबर किसका है और इसके पीछे इसका मकसद क्या था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है सिटी थाने की तरफ से और अब साफ तौर पर उसको लेकर ये पूरी जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी गई। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए अभी इस वक्त जो हालात उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कई लोगों के निशाने पर भी है, कई लोगों की आंखों में खटक भी रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में उन्हें धमकी देना और क्या कुछ धमकी में कहा गया है, क्या कुछ बोला गया है, विस्तार से बताएं। हाँ देखिये, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये धमकी भरा पत्र दिया गया है। यूपी 112 के व्हाट्सएप डेस्क पर एक नंबर से एक मैसेज मिला है और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये धमकी का जिक्र है और हालांकि इसके जो पूरी व्हाट्सएप चैट है इसकी जो जानकारी है वो संबंधित थाने को दे दी गई है, जिसकी तरफ से साथ ही आला अधिकारियों को भी इस पूरे मामले को लेकर अवगत करा दिया गया पुलिस की तरफ से। और अब देखना है इस पूरे मामले के बाद जांच होती है तो जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है। कुछ इस तरह से धमकी देने का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये धमकी बड़ा मैसेज भेजा गया है। अब इसको लेकर ये देखना है कि धमकी जो देने वाला शख्स है ये कौन है और इसकी क्या कुछ मंशा थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकी देने का जिक्र है इस मैसेज के जरिए, तो ये देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं और जो इस तरीके की धमकी महाराज की तरफ से मैसेज भेजा गया। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।